बाघ पुनर्स्थापना योजना के तहत साल 2009 में कान्हा टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन T2 पन्ना टाइगर रिजर्व की 13 ब्रीडिंग बाघिनों में से सबसे सफलतम बाघिन साबित हुई है। T2 ने अब तक 21 शावकों को जन्म दिया है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के इतिहास में किसी एक बाघिन द्वारा जन्मे गए सबसे अधिक शावक हैं। इतना ही नहीं, टाइगर रिजर्व प्रबंधन को अब भी इस बाघिन से वंश वृद्धि में सहयोग की उम्मीद है। आपको बता दें, साल 2008 में पन्ना टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो चुका था। ऐसे में बाघ पुनर्स्थापना योजना के तहत साल 2009 में बाघिन T1 को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से और बाघिन T2 को कान्हा टाइगर रिजर्व से लाया गया था। इसके साथ ही बाघ T3 को पेंच टाइगर रिजर्व से लाया गया, जहां बाघिन T2 से बाघ T3 सहित दूसरे बाघों के संसर्ग से महज 10 सालों में ही 21 शावकों को जन्म मिला। इस पन्ना टाइगर रिजर्व में लाई गई दूसरी बाघिन है, जो 2009 में लाई गई थी। T1 सबसे पहली बाघिन है, लेकिन T2 का योगदान इस उससे महत्वपूर्ण है कि इसने 21 शावकों को अभी तक जन्म दिया है। तो एक तरह से बाघों का कुनवा पन्ना टाइगर रिजर्व में बढ़ाने में T2 का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है, और T2 अभी भी एक्टिव है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी और बाघों की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकते। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द हाजिर होते हैं।